हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेंडिंग वायर। बेंडिंग वायर कहने का तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है जितनी इंसान की ज़िंदगी में खाने की है, उतनी ही इसकी अहमियत है बेंडिंग वायर। आज मैं आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी दूंगा, पूरी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। वीडियो पूरी देखो, बिना स्किप करें। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। बेंडिंग वायर इज़ यूज फॉर टाइंग द रीबार सो दैट इट इज़ हेल्ड इन इट्स पोजिशन फिर्मली विदाउट एनी डिसप्लेसमेंट। वी प्रोवाइड द रीबार्स एंड स्टिरप्स एट अ प्रॉपर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज पर द डिज़ाइन कैलकुलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। बेंडिंग वायर पहली लाइन में है। बेंडिंग वायर हम यूज़ क्यों करते हैं? रीबार को टाई करने के लिए। जो सलिया रहता है, जो फुटिंग का कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर हो, कॉलम, बीम, फुटिंग, सबको टाई करने के लिए रीबार यूज़ क्यों होता है? सो दैट इट इज़ हेल्ड इट इन पोजिशन, वो पोजिशन में रहे, जब कास्टिंग हो इधर उधर ना हिले सलिया। इसीलिए हम बेंडिंग वायर यूज़ करते हैं विदाउट एनी डिसप्लेसमेंट। वी प्रोवाइड द रीबार्स एंड स्टिरप्स। हम जो रीबार, जो हमारी जाली रहती है फुटिंग की हो, स्लैब की हो, या स्टिरप्स हो जो हम बीम और कॉलम में यूज़ करते हैं, तो वो हम जो प्रोवाइड करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं। और किस पे? एज पर द डिज़ाइन कैलकुलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। जो कंसल्टेंट डिज़ाइन देगा उसमें वो लिखा रहता है कि आपको कॉलम में जो रिंग है उसको इतना से इतना डिस्टेंस पे रखना है। समझ गए? व्हाट इज द गिवन क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग वायर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रिइंफोर्समेंट स्टील? द क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग वायर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर इट विल बी यूज्ड एंड द टाइप ऑफ बार डायमीटर ऑफ बार लेंथ द बार। आप इसमें क्या बताया ये पॉइंट में कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप बेंडिंग वायर की पर टन, यानी कि 1000 kg स्टील के लिए? तो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर रहता है पहले तो। ये अगर आपको कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसमें बेंडिंग वायर अलग टाइप से कैलकुलेट होगा, या अलग कोई सेप्टिक टैंक है या कोई कलवर्ट है उसमें अलग टाइप से कैलकुलेट होगा। लेकिन बेसिक्स ऑफ द पार्ट एक्सपीरियंस एंड थंब रूल्स, पास्ट के एक्सपीरियंस से और थंब रूल से ये पता चलता है 1000 kg जो बेंडिंग वायर है उसमें एक टन यानी 8 mm का 12 kg जाएगा। एक टन में 8 mm का 12 kg बेंडिंग वायर जाएगा। 8 mm यानी 8 mm सलिए का डायमीटर, 1000 kg 1 टन डायमीटर रहेगा 32, 7 kg सलिया जाएगा। 32 mm का सलिया है तो 7 kg बेंडिंग वायर जाएगा एक टन में। IS कोड 456 क्या बोलते हैं कि एक 1000 kg 7 से 13 kg, यानी कि 1 टन में जो बेंडिंग वायर जाएगा 7 से 13 kg तक जाएगा। ये IS कोड ने एक रेंज दे दिया, इसके बीच में ही रहेगा। जैसे कि 32 के सलिए में 7 kg जा रहा है, 8 के सलिए में 12 kg जा रहा है, 6 के सलिए में मान लो 7 kg गया, तो IS कोड ने एक रेंज दे दिया, 7 से 13 kg के बीच में ही जाते हैं। समझ गए आप? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग वायर रिक्वायर्ड। आपने आपकी फुटिंग के लिए 2 किलो बेंडिंग वायर मंगाया है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी क्वांटिटी को बढ़ा सकती है, उसको इफेक्ट कर सकती है? मान लो 2 किलो लगाया तो 2.5 किलो जा रहे हैं। डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार, जो आपका सलिया है, यानी कि आपको समझो पूरी स्लैब में आपके 8 mm का सलिया जा रहा था, लेकिन कई जगह आ गया चेयर बार आ जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसके वजह से डायमीटर की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। ये फैक्टर्स अफेक्ट, कई जगह क्या होता है हम स्लैब में डबल वायर बांध देते हैं तो उस वजह से। स्पेसिंग ऑफ द रीबार फ्रॉम ईच अदर, अब एज पर अगर आप कंसल्टेंट जाओगे तो आपको फिर कम नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मिस्त्री क्या करता है, बांधने में ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा देते थे। अगर हम उसको 150 का बोलेंगे तो कई जगह 175 मिलेगा आपको, कई जगह 160 मिलेगा, तो ये भी एक पॉइंट है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर कौन सा मेंबर है आपका, वो भी अफेक्ट करता है। गेज एंड टाइप्स ऑफ बेंडिंग वायर यूज, गेज मतलब बेंडिंग वायर का जो अगर आप मापोगे ना उससे उसकी साइज, तो उससे फ़र्क पड़ता है कि मोटा है, पतला है, या फिर बेंडिंग वायर कौन सा है, टाइप ऑफ बेंडिंग वायर यूज़, कौन सी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो। सेलेक्शन ऑफ टाइंग वेस और मेथड्स ऑफ बेंडिंग वायर, जो बांधने का तरीका है, अगर आप हुक से बांध रहे हो, एक बांध रहे हो, प्रॉपर बांध रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कई जगह क्या होता है हम मशीन से बांधते तो उसमें एक साथ 3-4 वायर उसमें मिक्स होकर एकदम लगता है, या 2 वायर तो लगता ही है मिनिमम। टाइंग मैनुअली बाय हुक और मैकेनिकली, देखा वही बात आई ना, टाइंग मैनुअली बाय हुक और मैकेनिकली, ये भी इफेक्ट करते हैं आपके। और जो इसमें है सिलेक्शन ऑफ टाइंग वेज फॉर मेथड ऑफ बेंडिंग वायर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, यही हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये पॉइंट भी सेम है। बिल्डिंग हो कोई, सब में अलग अलग इफेक्ट कर सकता है, डैम में आपको बहुत इफेक्ट करेगा, इसलिए आपको ज़्यादा ही मंगाना है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन फॉर बेंडिंग वायर इन इंडिया, इंडिया में बेंडिंग वायर की क्या स्पेसिफिकेशन है? द बेंडिंग वायर शुड बी 18 और 16 और 18 गेज अनिल वेयर कन्फर्मिंग टू IS कोड
280, बेंडिंग वायर 16 से 18 गेज का होना चाहिए और IS कोड के हिसाब से होना चाहिए। इट शैल बी फ्री फॉर रस्ट, ऑयल, पेंट, ग्रीस, लूज पिल, स्केल और एनी टाइप। ये पूरी तरह ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, रस्ट, ऑयल, पेंट, ग्रीस, लूज पिल, स्केल, ये सबसे फ्री होना चाहिए। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाफ हार्ड, द टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 से 430 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाफ हार्ड होना चाहिए, पूरी तरह हार्ड नहीं होना चाहिए, और टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो रेंज दी है वो 250 से 430 mm दी हुई है। अब हाउ टू मेजर द गेज ऑफ बेंडिंग वायर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। देखो अगर आप गेज को मापोगे ना तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, अगर आप कॉलेज में पढ़े हो तो एक स्क्रू गेज करके इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो उससे आप है ना बेंडिंग वायर का है ना बेंडिंग वायर का आप गेज माप सकते हो स्क्रू गेज से, तो वो ऐसा रहता है, आपने देखा होगा, फोटो डाल दूंगा मैं, तो उससे हम बेंडिंग वायर का जो साइज है वो माप सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।